आहा, ठंडा ठंडा चिलचिल, इस चिलचिलाती धूप में यदि आमपना मिल जाए तो बात बन जाए। यही है असली आमपना की रेसिपी, देखते हैं कैसे बनता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता अपने यूट्यूब चैनल खाओ पियो मित्रों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आमपना बनाने के लिए हमें चाहिए 350 ग्राम कच्चे आम। आप इससे ज़्यादा का भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 350 ग्राम बिल्कुल कच्चे आम लिए हैं। इन्हें आप धो करके अच्छे से पोंछ के कॉटन के कपड़े से इन्हें हम गैस पे भून लेंगे। अब यहाँ पे आप सारे आमों को एक साथ रख दें और थोड़ी थोड़ी देर में अलटते पलटते हुए इन्हें भून लें। जब हम इन्हें भूनेंगे ना तो इसके अंदर से ना थोड़ा डंठल के पास से थोड़ा सा रस निकलेगा, यानी ये वही रस है जब हम आम को चूसते वक्त इसका जो रस है उसको हम निकाल देते हैं क्योंकि हमें नुकसान करता है। तो वही जो रस है ना थोड़ा प्रेशर के साथ में निकलता है, तो आप घबराएं ना। तो जब वो निकल जाएगा तो अपने आप नॉर्मली आराम से ये भुन जाएंगे। ये देखिए थोड़े थोड़े हमारे आम भुनने लग गए हैं, लेकिन अभी हमें इन्हें और भून लेना है, यानी अच्छे से भूनना है जब तक ये बिल्कुल ब्लैक ना हो जाए। ये देखिए अब हमारे आम बहुत अच्छे से भुन गए हैं। इन्हें एक एक करके आप फ्लेम से निकाल लें और सभी आमों को थोड़ा थोड़ा को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ये देखिए हमारे आम बहुत अच्छे से भुन गए हैं, आपको इसी तरीके से भुनना है। और दूसरी तरफ मैंने एक मसाला बनाया है जिसके अंदर मैंने एक चम्मच ज़ीरा लिया है, यानी छोटे वाला चम्मच, और आधा चम्मच सौंफ ली है, 7 से 8 काली मिर्ची ली हैं और थोड़ी सी हींग ली है। इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपको भूनना है। भूनना मतलब इतना ही है, मुश्किल से 5 से 6 सेकेंड, 6 से 7 सेकेंड, इससे ज़्यादा आपको नहीं भूनना। इसके अंदर एक अरोमा आ जाएगा, तो इसे ठंडा होने के लिए रख दें। और तब तक जो हमारे आम ठंडे हो गए हैं उनको जो है हम छील लेते हैं। ये देखिए हमारे आम अच्छे से भुन गए हैं, तभी इनका छिलका भी आराम से निकल रहा है। जब सारा छिलका निकल जाए तब इनका जो पल्प है एक नाइफ़ की हेल्प से इस सारे पल्प को आप निकाल लें। ये देखिए इस तरीके से सभी आमों का पल्प निकाल लें। आम का पल्प निकालने के बाद में गुठ के अंदर फिर भी थोड़ा सा पल्प बच जाता है, थोड़ा सा क्या काफ़ी बच जाता है, क्योंकि आम को हमने भूना है तो वो अंदर तक काफ़ी गर्म भी होते हैं। तो इसलिए एक बाउल में 1 कप पानी लेकर के आप गुठलियों को डाल दें और इन्हें मसल मसल करके अच्छे से हाथ से इनका पल्प निकाल लें। यदि आपको लगता है कि पल्प आप अच्छे से हाथ से नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक नाइफ़ लें और नाइफ़ की हेल्प से आप इनको अच्छे से ज़रूर निकाल पाएंगे। ये देखिए मैंने नाइफ़ की हेल्प से इनको अच्छे से निकाल लिया है। गर्मियाँ है ना आमों की बहार होती है और हर कोई आम की डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनाने में लग जाता है और आम पना तो सबका फेवरेट होता है। तो अब जो हमने आम का पल्प निकाला था उसे हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सर ग्राइंडर में सारा पल्प डालने के बाद में अब हम यहाँ पे डालेंगे मीठा। मैंने यहाँ पे देसी खांड का इस्तेमाल किया है जो कि 5 चम्मच है। आप देसी खांड की जगह चीनी या गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बाउल में पानी था ना वो थोड़ा सा पानी आपको यहाँ पे डालना है और इस बाउल में जो मोटे मोटे चंक्स थे उनको आपको डाल लेना है। छोटे वाले जो चंक्स हैं वो इसी में रहेंगे और इस पानी को आपको फेंकना नहीं है। आगे मैं इस पानी का यूज़ आपको बताऊंगी। अब दूसरी तरफ जो मसाला हमने भून के रखा था उस मसाले को हम यहाँ पे कूट लेते हैं। आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में पल्स मोड पर आप इसे ग्राइंड कर लें या फिर खलबट्टे में आप इन्हें कूट लें। मैं स्टील के खलबट्टे में इसे कूट रही हूँ। ये देखिए इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का दरदरा रहे, मुँह में जब आता है ना तो अच्छा लगता है। अब जो हमने पानी बचाया था ना उसका इस्तेमाल अब हमें यहाँ पे करना है। ये देखिए जो हमने ग्राइंड किया था पल्प को उसे इस बाउल में डाल देना है। जब सारा पल्प आप इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लें
तब यहाँ पे आपको डालना है वो कुटा हुआ मसाला। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच गरम मसाले का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 ग्लास ठंडा चिल्ड पाउडर का चिल्ड पानी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा पतला कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सेंधा नमक अपने टेस्ट के अनुसार आप डालें। अब एक स्पून की हेल्प से आप इसे मसाले को अच्छे से मिला लीजिए। मसाला मिलाने के बाद में इसमें ऐड करेंगे खूब सारी बर्फ़, यानी चिलचिलाती गर्मी में और चिल्ड आमपना मिल जाए तो बस फिर कहने ही क्या। ये देखिए, ये पीने में इतना टेस्टी है, इसका टेस्ट इतना गजब है ना, बस क्या बताऊँ। आपने इस तरीके से एक बार बना लिया, आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। ये बहुत ही टेस्ट है, आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, ये देखिए, ये बहुत टेस्टी बना है, इसे आप ट्राई कीजिएगा। आज की इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।